गुजरात के मोरबी में मोरबी ब्रिज गिरने का सबसे मेन कारण आया सामने। मोरबी ब्रिज गिरने की वजह से 134 लोगों की जान चली गई और कई लोग लापता और घायल हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हैंगिंग ब्रिज पर लगभग 500 से 600 लोग खड़े थे। ज्यादा वजन होने की वजह से मोरबी ब्रिज एकदम से गिर गया और लाशों का सैलाब उमड़ पड़ा। कई लोगों के बचाव कार्य के लिए इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और NDRF की टीमें लगी हुई है। अब ये मोरबी ब्रिज गिरने का सबसे मुख्य कारण आया सामने। मोरबी ब्रिज एक हैंगिंग ब्रिज होने के कारण इस ब्रिज का कई दिनों से काम चालू था, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि मोरबी ब्रिज के मरम्मत काम के लिए 2 करोड़ रुपए का खर्च आने के बावजूद भी मोरबी ब्रिज नहीं टिक सका। यानी कि मोरबी ब्रिज के मरम्मत काम के लिए 2 करोड़ रुपए का खर्च करने के बावजूद भी ये ब्रिज नदी में गिर गया। मतलब मोरबी ब्रिज में कुछ भी काम ठीक से या फिर मजबूती से नहीं किया गया और हद से ज्यादा लोगों को मोरबी ब्रिज पर पैसे के लालच पर छोड़ दिया गया। और सबसे खास बात यह है कि मोरबी ब्रिज पर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं थी, फिर भी लोगों को टिकट के लालच में और पैसे के लालच में छोड़ दिया गया और फिर मोरबी ब्रिज पर इतनी बड़ी लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ गई। ऐसे ही फैक्ट वाले वीडियोस में अपने ब्राउज फीचर वाले वीडियोस में डालता रहता हूँ, इसलिए मेरे शॉर्ट्स वाले वीडियोस को और ब्राउज फीचर वाले वीडियोस को जरूर देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।